श्योर शॉट नो डाउट पुच्चे पेली पौधे दोस्तों मास महाराजा रॉबी तेजा स्टारर मूवी क्रैक रिलीज के आज पूरे 18 दिन कंप्लीट हुई हैं। वहीं दोस्तों राम पत्नीनी स्टारर मूवी रेट और अलाडू आदर्श मूवी के पूरे 13 दिन कंप्लीट हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रैक मूवी ने अपने 18 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ की कलेक्शन की। साथ ही साथ दोस्तों रेट मूवी और अलाडू आदर्श मूवी ने अपने 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ का कलेक्शन अब तक कर लिया है। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर मास महाराजा रॉबी तेजा स्टारर मूवी क्रैक मूवी के बारे में, तो दोस्तों क्रैक मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 16 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले जो बजट बताया था वो पूरा दरअसल गलत था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच के हैरान रह जाओगे इतने बेहतरीन मूवी सिर्फ 16 करोड़ 50 लाख रुपए से कैसे बनाए। लेकिन दोस्तों यही सच है, क्रैक मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 16 करोड़ 50 लाख रुपए। और इस मूवी से जुड़ी एक्साइटेड वाली जो बात है, क्रैक मूवी ने बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, टीवी पे दिखाने के राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर बजट क्रॉस रिकवरी कर ली थी। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों क्रैक मूवी जो कि एक्शन ड्रामा बेस्ड मूवी है, इस मूवी के डायलॉग, इस मूवी के एक्शन, इस मूवी के बीजीएम ऑडियंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद आए। बताना चाहूंगा दोस्तों, रिलीज होते ही ताबड़तोड़ की कलेक्शन करना शुरू कर दी थी और रिलीज के पहले वीकेंड में यानी दोस्तों 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 32 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्रैक मूवी ने रिलीज के पहले वीकेंड में ही सुपर हिट वाला बजट अपने नाम कर लिया था। बताएंगे दोस्तों इस मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों क्रैक मूवी ने अपने दूसरे वीकेंड पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 8 करोड़ रुपए। बात करें तीसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 15वें दिन लेके 17वें दिन तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ रुपए। बात करें मूवी के 18वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों क्रैक मूवी ने आज भी बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है। जी हाँ दोस्तों, क्रैक मूवी के आज के टोटल जो अमाउंट हुए है इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है पूरे 60 लाख रुपए। इसके साथ दोस्तों क्रैक मूवी के अपने 18 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते पूरे 42 करोड़ 60 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के अपने 18 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते पूरे 53 यानी 53 करोड़ रुपए। ओवरसीज कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों मूवी ने अपने 18 दिनों में ओवरसीज मार्केट से सिर्फ 2 करोड़ की कलेक्शन की है। तो दोस्तों जहां मूवी क्रैक ने अपने 18 दिनों में टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 53 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने 18 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ रुपए। यानी मास महाराजा रॉबी तेजा स्टारर मूवी क्रैक ने अपने 18 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 55 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों रेट मूवी के बारे में, तो दोस्तों रेट मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 20 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों मूवी ने अपने पहले वीकेंड में यानी दोस्तों 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 24 यानी 26 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों मूवी ने अपने पहले वीकेंड में ही बजट क्रॉस रिकवरी कर ली थी। बात करें रेट मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 8वें दिन से लेकर 12वें दिन तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ रुपए। बात करें मूवी के 13वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने आज भी ताबड़तोड़ की कलेक्शन की है और आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे लगभग जो नेट कलेक्शन की है लगभग 70 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों रेट मूवी के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते पूरे 27 करोड़ 70 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते पूरे 32 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों रेट मूवी ने अपने 13 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 3 करोड़ रुपए। तो जहां रेट मूवी ने अपने 13 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 32 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने 13 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है लगभग 3 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों रेट मूवी ने अपने इन 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 35 यानी 35 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी हो चुकी है रेट मूवी हो चुकी है ब्लॉकबस्टर, जबकि दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर
रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर 17 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब अगर बात करें अल्लाडू आदूर इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 50 लाख रुपए। मूवी ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 80 लाख रुपए और तीसरे दिन पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों इसी तरह से अल्लाडू आदूर मूवी ने अपने रिलीज के पहले वीकेंड में यानी 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 18 करोड़ 10 लाख रुपए। बात करें मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 8वें दिन से लेकर 12वें दिन तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ रुपए। बात करें आज की कलेक्शन की यानी मूवी के 13वें दिन की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने आज भी इंडिया में नेट कलेक्शन कर लिया है लगभग 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों अल्लाडू आदूर मूवी के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते पूरे 22 करोड़ 60 लाख रुपए। और दोस्तों मूवी के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते पूरे 27 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों 13 दिनों में अल्लाडू आदूर मूवी ने इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी दोस्तों अल्लाडू आदूर इस मूवी ने अपने 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 28 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है अल्लाडू आदूर मूवी के अपने 13 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं पूरे 28 करोड़ 40 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों कहना चाहूंगा, अल्लाडू आदूर मूवी को सुपर हिट वाला बजट नहीं मिले, जबकि संक्रांति विनर नहीं मिले, इस मूवी को बजट क्रॉस रिकवरी नहीं कर पाए, इस मूवी को एवरेज बजट दिया गया है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए और इसी तरह के बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।